अच्छा अकील भाई, आप मुस्तकबिल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक अच्छा शायर, एक अच्छा बिजनेसमैन या कुछ और? मैं अपने आप को बतौर अच्छा शायर ही देखना चाहता हूँ और यही मेरा गोल है, यही मेरा इरादा है, वो मैं तवक्को कर रहा हूँ और मुझे खुदाए बुजुर्गो बरतर पे ये यकीन है कि मैं इंशाल्लाह इसमें कामयाब होऊंगा और मुझे अपनी सलाहियतों पे भी और ये जो हौसला अफजाई लोगों की तरफ से होती है उसके नतीजे में अब मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैं शेरी मंजरनामे में इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना एक मुकाम बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, वो तो आप हो चुके हैं मेरे ख्याल में। कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका बड़ा पन है कि आप सराहते हैं और मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शेर जो एक खुदा ने वस्फ मेरे अंदर रखा है मैं उसे इस्तफादा करते हुए। और फिर देखिए कि ये पज़ीराई, ये हौसला अफजाई तो एक अलग बहस है, ये एक अलग पहलू है, लेकिन बुनियादी मकसद तो ये है कि इस मुआशरे के अंदर अपना कुछ किरदार अदा किया जा सके। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने मास्टर्स की तालीम मुकम्मल की है, तो मैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का बुनियादी तौर पर स्टूडेंट हूँ। अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के में हम समाजी सतह पे सोशल और बिहेवियरल चेंज लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो शायरी में भी मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं, मेरा यही मिशन है, यही गोल है। फिर साथ साथ छोटा मोटा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि साथ बिजनेस भी चलता रहेगा और साथ जो है वो ये जो शायरी है ये भी चलती रहेगी इंशाल्लाह, इसमें कामयाबी होगी। और ये शुरू में आपका सवाल था कि वो जो शायरों के हवाले से एक सोच है उमूमी, उस मिथ को तोड़ने की कोशिश भी मैं करूँगा कि शायर नकारा नहीं होते। ऐसे ही।